हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग L&T कंपनी के वर्कशॉप में हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये L&T कंपनी के सर हैं जो बता रहे हैं, पहले आइसोलेटर और उसके बाद RCCB, उसके बाद MCB, ये तीनों फोर पोल के लगाने के बाद तब आप सिंगल पोल की MCB लगाइए। ये पूरा सिस्टम समझा रहे हैं। उसके बाद ये सिंगल फेस की RCCB, उसके बाद MCB डबल पोल की, ये सारा सिस्टम यहाँ पे RCCB ये पूरा ओपन करके दिखाया गया है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट लगते हैं, ये कैसे कार्य करता है। ये MCB है डबल पोल की, इसकी PVC निकाल के अंदर के पोर्शन को दिखाया गया है। ये भी RCCB है सिंगल पोल की, ओ डबल पोल की, सिंगल फेस की। और इसके बाद एक MCB है जो ये थोड़ा सा जल चुकी है, इसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इन सब बातों पे टिप्पणी हो रही है और यही सब ट्रेंड कर रहे हैं लोगों को। और यहाँ पे ये RCCB जो हमारे पास है 63 एम्पियर की, 300 मिली एम्पियर, ये थ्री फेस की है। और ये हमारे पास है ऑटोमेटिक चेंजर स्विच, जिसमें एक तरफ जनरेटर की सप्लाई और एक तरफ लाइट सप्लाई दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑटोमेटिक चेंजर लिखा हुआ है, और एक तरफ इसमें हमारा लोड रहेगा घर का। तो कई चीज़ें इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोर पोल की MCB है 32 एम्पियर की, जो सी टाइप की है। और ये थ्री पोल की MCB है सी टाइप की, 40 एम्पियर की। और आगे ये देखिए, ELCB प्लस EMCB दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सिंगल पोल की है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी?